हेलो फ्रेंड, अगर आपके भी मोगरे पौधे में कली आती है और कली आने के बाद बहुत दिन के बाद फूल खिलते हैं, या फिर फूल खिलने में समय लग जाता है, कली आके रुक जाता है, तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा कटिंग से तैयार किया हुआ मेरा पौधा है और इसमें कली तो आया है, बस कली जो है फूल में बदल नहीं रहा है। तो मैंने इसको लगाया था कटिंग से और बहुत दिन हो गए हैं, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं डाला इनकी मिट्टी में। तो जब ऐसा महसूस होता है कि आपका कली जो बहुत लेट बन रहा है, फूल खिलने में समय लग रहा है, तो आपको करना क्या है कि इसका गुनाई करके, जैसे मैं कर रहा हूँ, गुनाई करके आप ऊपर से मिट्टियाँ निकालेंगे और इतने छोटे मुट्ठी में एक से इतने छोटे गमले में एक से दो मुट्ठी आपको सरा हुआ कंपोस्ट डाल देना है, गोबर का कंपोस्ट या सब्जी वेस्ट का कंपोस्ट डाल के, और ऊपर से थोड़ा धान का भूसी डाल दें, क्योंकि गर्मी आ चुका है और गर्म हवाएं चल रही है तो पौधा को थोड़ा प्रॉब्लम होता है गर्म हवाएं से। और इसको रखना कहाँ पे है, तो रखें आप सुबह का 2 घंटे का धूप दें मोगरे पौधे को, और आपका जो ट्रेरस है ऐसा जगह रखें जहाँ से आपकी खुशबू आ सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं रखा हूँ आपको गमले में, और ये देखिए बड़ा सा मोगरा का पौधा है, इसी से मैंने कटिंग तैयार किया था और इसकी भी खुशबू बहुत तेज़ है। तो इसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको करना है कि इस तरीके से जब फूल ख़त्म हो जाता है मोगरा पौधा में, तो इसको तोड़ के हटा देना है, ऐसे कट कर देना है। आप दो पत्ते सहित भी कट कर सकते हैं, तो वहाँ से फिर से न्यू सूट निकलेंगे और फूल आपको पूरा अक्टूबर तक खिलता रहेगा। मैं कसम से बताऊँ, इस गमले में जब भी फूल खिलते हैं, शाम को बैठता हूँ मैं तो एकदम पूरा खुशबू से मेरा टेरेस एकदम महकने लगता है और बहुत तेज़ खुशबू होती है मोगरा की, आपको पता ही है। तो आप इनका कटिंग भी आसानी से लग जाता है, मैंने कटिंग लगा के भी वीडियो में दिखाया है। तो इसको भी मैं सुबह का 2 से 3 घंटे का धूप देता हूँ, बस उतना ही देना है। और जब भी गुनाई गुनाई करना है तो आपको शाम के समय करें, दोपहर के समय ना ही करें, क्योंकि गर्मी तेज़ होती है, शाम के समय करें और शाम को ही पौधा दें। तो अभी मैं दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ पे सुबह का धूप आता है बस, और इसका फूल का साइज़ देखिए कितना बड़ा है और चारों तरफ से फैला हुआ मोगरा, इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ है और देख सकते हैं कि इसमें फूल आया है। और फूल आते ही रहते हैं, फूल जाते हैं आते रहते हैं, एक फूल खिलेंगे 2 दिन तक रहते हैं, और इसमें भी देखिए अभी फूल खिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, एक फूल खिला है, खिल के ख़त्म हो गया, 1 दिन का बाद का रिजल्ट है। और मैं अपने सीढ़ी के पास रखा हूँ, यहाँ से रूम में भी खुशबू आती है। तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।